नमस्कार, फिर से आप सभी का हम स्वागत करते हैं हमारे इस चैनल में। दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा खत्म हो गई, राहुल गांधी की काफी चर्चा हुई, राहुल गांधी से ज्यादा उनके बयानों की ज्यादा चर्चा हुई और आज भी उन बयानों पर चर्चा चल रही है। राहुल गांधी ने जब यात्रा शुरू की थी तब उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। उस स्टेटमेंट का जो पार्ट है उसमें दो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एक तो है नफरत का बाजार और दूसरा है मोहब्बत की दुकान। तो वो कहना चाहते थे कि नफरत के बाजार में मैं मोहब्बत की दुकान शुरू करने आया हूँ, ये उनका स्टेटमेंट था। तो हमारा कहना ये है कि जब उनकी सत्ता थी तब उन्होंने मोहब्बत की जो दुकान है वो क्यों नहीं शुरू की, क्योंकि ज़्यादातर कांग्रेस की सत्ता ही रही है। तो उन कार्यकाल के दौरान उनको क्यों याद नहीं आई मोहब्बत की दुकान की। नफरत की जब बात करते हैं तो शुरुआत करनी पड़ेगी 30 जनवरी 1948 से। हम सबको पता है 30 जनवरी को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी को गोली मारी थी और उसके बाद जो हिंसा भड़की है पूरे महाराष्ट्र में, उस हिंसा के दौरान हजारों ब्राह्मणों का वध किया गया और इसकी चर्चा, इसका कोई भी उल्लेख इतिहास के पन्नों में हमें नहीं मिलता। हम ये कैसे कह सकते हैं कि जानबूझकर इन सारी वारदातों पर पर्दा डाला गया। 30 जनवरी को गांधी जी की हत्या होने के बाद महाराष्ट्र के सड़कों पर ब्राह्मणों के खिलाफ मौत, विनाश और हिंसा का नग्न नृत्य शुरू हुआ, क्योंकि नाथूराम गोडसे ब्राह्मण था। अराजकता फैली हुई थी और भीड़ ने महात्मा गांधी जी की हत्या का बदला लेने के लिए निर्दोष ब्राह्मणों को निशाना बनाना शुरू किया। अंधाधुंध नरसंहार और रक्तपात शुरू हुआ था। जिन्होंने, मतलब महात्मा गांधी जी ने अपने पूरे जीवन में सत्य और अहिंसा की कसम खाई थी, उन्हीं के फॉलोअर्स, जिसमें ज्यादातर कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, उन्होंने ये हिंसा फैलाई। सबसे पहले चित्पावन ब्राह्मणों को निशाना बनाया गया, धीरे धीरे अन्य उपनामों वाले जो ब्राह्मण थे उनको भी निशाना बनाया गया। दंगाइयों ने आपटे, जोशी, गोखले, कुलकर्णी, देशपांडे, रानड़े, ऐसे उपनामों वाले ब्राह्मणों को ढूंढ ढूंढ कर, चुन चुन कर पूरे परिवार के साथ मारा। तो हमारा ये कहना है कि जो लोग आज हिंसा और मोहब्बत की बातें कर रहे हैं, क्या उन्होंने कभी अपना खुद का इतिहास पढ़ा है? उनके कार्यकाल के दौरान 1948 में जो हिंसा, पर्टिकुलरली जो नरसंहार ब्राह्मणों का हुआ है, उसके बारे में जानने की कभी कोशिश की है? तो कांग्रेस कार्यकर्ता जिसमें शामिल थे ज़्यादातर, 1948 की जो हिंसा है ये, इन्होंने क्या किया? इन्होंने सावरकर के घर के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश की, वहाँ सावरकर उनको नहीं मिले। उसके बाद पूरी भीड़ जो है शिवाजी पार्क में, सावरकर के जो छोटे भाई है डॉक्टर नारायण राव सावरकर, उनके घर के ऊपर उन्होंने हमला किया। नारायण राव सावरकर जी के ऊपर भी उन्होंने हमला किया, उनको मारा पीटा गया और उस दौरान डॉक्टर नारायण राव सावरकर को जो चोटें आई, उस चोटे के कारण काफ़ी सीरियस उनको चोटें आई हुई थी, तो उन चोटों के कारण कुछ दिनों के बाद डॉक्टर नारायण राव सावरकर की मौत हुई थी। तो ये सब कुछ सबको पता था, दिल्ली में जो सरकार थी उनको भी और महाराष्ट्र में जो सरकार थी उनको भी, लेकिन महाराष्ट्र में उस टाइम पे जो सरकार थी और जो नेतृत्व था उन्होंने भी इस बात को सीरियसली नहीं लिया। क्यों नहीं उन्होंने कुछ भी कार्रवाई की जो हिंसा चुन चुनकर ब्राह्मणों को निशाना बना रही थी?
फिर हम ये कह सकते हैं कि जब ये मुंबई में हुआ, पुणे में हुआ, पुणे के बाद ये सांगली, सातारा, उस साइड में भी वो फैलता गया, नागपुर में भी हुआ, तो लगभग महाराष्ट्र के सारे शहरों में ये आग जल रही थी, हिंसा हो रही थी, फिर भी ना कभी एफआईआर किसी ने दर्ज की, ना रिपोर्ट आई, ना गवर्नमेंट ने कुछ उसके रिपोर्ट्स बनाए हैं। मैं इसलिए ये कह रही हूँ कि काफ़ी सारे लोगों ने ये सच जानने की कोशिश की, उसमें काफ़ी सारे राइटर्स भी हैं, जब उन्होंने खोजबीन शुरू की और कुछ दस्तावेज भी उन्होंने पुलिस से मांगने की कोशिश की तो उनको साफ मना कर दिया गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो आज ये बातें कर रहे हैं कि हर तरफ हिंसा फैली हुई है और इसलिए हम मोहब्बत फैलाना चाहते हैं, तो कभी अपने इतिहास के बारे में भी उनको सोचना चाहिए और उन्होंने क्या किया था इसका जवाब आज लोग मांग सकते हैं। और ये बिल्कुल सच है कि पर्टिकुलरली ये इंसिडेंट जो है उसको पूरी तरह से दबाने की कोशिश की गई। आज हम सबको पता है कि कांग्रेस जो है वो हमेशा से आरएसएस के खिलाफ रही है और हिंदू राष्ट्रवादियों के खिलाफ भी रही है। तो कांग्रेस की विचारधारा यही है कि इनके ऊपर हमेशा आक्रमण करना, हमला करना। तो इतना होने के बावजूद एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं बता सकती हूँ आपको कि पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र जो उस टाइम पे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने इस बात की पुष्टि की थी कि कांग्रेस कार्यकर्ता थे जिन्होंने महाराष्ट्र में ब्राह्मण विरोधी दंगे और नरसंहार किया था। दंगे इस शब्द को अगर हम गौर से देखा जाए, जब भी दंगों की बात आती है तो दो कम्युनिटी के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू होता है तो हम उसको दंगा कहते हैं। यहाँ तो दो कम्युनिटी की बात ही नहीं थी, एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप के ऊपर अटैक करना शुरू किया तो वो नरसंहार जैसा ही हुआ है। पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र उन्होंने अपनी एक किताब जो है लिखी हुई लिविंग एन एरा, इसमें लिखा है, क्या लिखा है उन्होंने कि गांधी जी की हत्या के बाद दंगाइयों ने ब्राह्मणों के घरों और दुकानों पर हमला करना शुरू किया था। ब्राह्मणों के खिलाफ हुई हिंसा के भयावह और हृदय विदारक मामलों में अधिकांश दंगाइयों में कांग्रेसी थे। इतने बड़े पैमाने में ये हुआ है, इनमें से कुछ कांग्रेस कमेटियों के पदाधिकारी भी थे। ये बात खुद द्वारका प्रसाद मिश्र ने कबूल की है अपनी किताब में। नाथुराम गोडसे के ऊपर जो आरोप लगे हैं, उस आरोप के बारे में उन्होंने कोर्ट में स्टेटमेंट दिए क्यों उन्होंने गांधी जी की हत्या की है, ये भी उन्होंने बताया है। 1946 में ही गोडसे ने आरएसएस छोड़ दी थी, इसके बावजूद नेहरू जी और तत्कालीन सरकार ने आरएसएस को भी संदेह के घेरे में लिया और आरएसएस के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था। उसके बाद एक साल के बाद वो प्रतिबंध हटा दिया गया था क्योंकि ऐसा कुछ मिला नहीं है उनके खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ। ब्राह्मण समुदाय की बात कर रहे जिनके ऊपर अटैक्स हुए थे उस टाइम पे 1948 में, तो महिला और बच्चों को भी बख्शा नहीं गया था। महिलाओं के ऊपर सामूहिक अत्याचार हुए, बर्बरता हुई, बलात्कार किए गए, जो बात हम ये कह रहे हैं आज, और ये बात भी बिल्कुल ध्यान से सबको सोचनी चाहिए, सुननी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी जी ने बीच में एक स्टेटमेंट इसी तरह से दिया था कि उन्होंने जब यात्रा के दौरान महिलाओं से बात की तो महिलाओं ने बताया कि हमारे साथ ऐसा हुआ, हम पुलिस में नहीं जा सकते क्योंकि पुलिस केस दर्ज नहीं करती, ये सच्चाई है। तो ये भी एक सच्चाई है कि इस दौरान महिलाओं के ऊपर भी बर्बरता हुई है, बलात्कार हुए है। इतना भयावह एटमोसफियर था, भयावहता और रक्तपात, एक ज्वलंत घटनाओं का एक चित्र हमारे सामने खड़ा रहता है जब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। किसी भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इस घटना को या जो घटनाएं उस टाइम पे हिंसा हो रही थी उसके बारे में लिखा नहीं गया है, या उसको यहाँ के अखबार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अखबार है वहां पर उनको स्थान नहीं मिला है। क्योंकि इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि उस टाइम पे जितने भी अखबारें
होते थे वो, और उनके जो मालिक थे वो ज्यादातर कांग्रेस को सपोर्ट करते थे, तो कैसे कोई लिखता इसके बारे में? तो हम एक तरह से ये बोल सकते हैं कि वो भी गोदी मीडिया थी उस टाइम पे, इसीलिए कोई भी अखबार जो है उन्होंने इस घटना को, इस नरसंहार को अपने अखबार में इम्पोर्टेंस नहीं दिया। आज जो गोदी मीडिया सब लोग बोलते हैं, तो ये उस टाइम पे एक प्रकार से गोदी मीडिया ही थी, जो अखबारों के मालिक थे वो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे, और इसीलिए ये ब्राह्मणों का जो नरसंहार हुआ उसकी कोई भी खबर ज़्यादातर पब्लिश होती ही नहीं थी। अनुमान लगाया गया है कि इस टाइम पे लगभग गांधी जी की हत्या के बाद जो ये हिंसा भड़क उठी है या भड़काई गई है, लगभग 8,000 ब्राह्मणों का वध किया गया था। कितनी आश्चर्य की बात है कि गांधी जी जिन्होंने जीवन भर अहिंसा सत्य धर्म की बात की, उनके ही फॉलोअर्स ये हिंसा कर रहे थे। क्या आज के जो कांग्रेस के नेता है या लीडर्स है कभी इसके बारे में सोचते हैं कि नफरत उस टाइम पे कैसी फैलाई गई थी? उस टाइम के जो भी लोग थे, जो विटनेसेस है जिन्होंने ये हिंसा अत्याचार झेली थी, उनमें से जो लोग जिंदा बच पाए वो उस घटना को याद तो करते हैं लेकिन वो खुलकर सामने नहीं आते, इतने डरे हुए वो आज भी लगते हैं, ऐसा लिखा गया है। जब हम पढ़ रहे थे इसके बारे में तो काफी सारे लोगों ने ये बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था, लेकिन वो सामने आकर नहीं बोलते हैं क्योंकि उनको लगता है कि आज भी ऐसे लोग हैं जो उनको उस टाइम पे डराते थे, वो अभी भी है। तो इस हत्याकांड के पीछे जिन्होंने भी एक रोल प्ले किया है, क्या कभी उनके ऊपर कांग्रेस ने ये नहीं सोचा कि कभी कार्रवाई करनी चाहिए? महाराष्ट्र का नेतृत्व, जैसे मैंने बोला था, उन्होंने भी कोई भी एक्शन नहीं लिया। सड़कों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता ये जो है आतंक फैला रहे थे, कई लोगों को रास्तों में होटलों में नाम पूछ पूछ कर मारा जाता था, और दुर्दैव ये है कि इतिहास से ये नरसंहार जो है वो मिट गया। इसका कारण ये है कि जो बातें ये बताने वाले थे वो खत्म हो गए, और आजाद देश के इस सबसे बड़े नरसंहार की कहानी करीब करीब भुला दी गई। तो राहुल गांधी जी ने जो स्टेटमेंट दिया था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलने आए हैं, तो ये नफरत का बाजार किसने फैलाया था 1948 में, ये सोचने की बात है। और उसके बावजूद भी कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया गया, इसके प्रमाण जो अगर हम बात करते हैं, एक राइटर है जिन्होंने इसके बारे में लिखने की कोशिश की और उनको कुछ सबूत चाहिए थे, कुछ रिकॉर्ड्स चाहिए थे, लेकिन फिर भी उनको नहीं दिए गए और पुलिस ने मना कर दिया कि ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स वो नहीं दे सकते। उसमें से पहला जो नाम आता है वो मॉरिन पैटरसन, उन्होंने ये अपनी किताब में लिखा हुआ है गांधी एंड गोड से, ये उनकी किताब है, उन्होंने लिखा है कि उनको कुछ रिकॉर्ड्स चाहिए थे, वो साफ मना कर दिया गया। फिर DW अटवुड नाम के एक राइटर है जिन्होंने सिटी कंट्री साइड एंड सोसाइटी इन महाराष्ट्र ये किताब लिखी है, इस किताब में उन्होंने ब्राह्मणों के इस नरसंहार का पूरी तरह से जो है एक माइन्यूट डिटेल में लिखा हुआ है, इस बर्बरता का वर्णन किया है। तो आज हमने ये बताने की कोशिश की है कि इतिहास के पन्नों से ये एक काला सच जिसमें ब्राह्मणों का नरसंहार, जहां 8,000 ब्राह्मणों का वध किया गया, उनके घर जला दिए गए, दुकान जला दिए गए, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुए, बच्चों को भी मारा गया, वो काला सच हमारे इतिहास के पन्नों से गायब है और गायब किया गया है। तो आज का ये वीडियो हमारा आपको कैसे लगा जरूर बताइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को लाइक करिए। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।